हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार में चर्चा। और आज जो चर्चा का टॉपिक है वो बड़ा ही दिल दुखाने वाला टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है कि नेमार जूनियर, जो आज का मेन टॉपिक, मेन मुद्दा चल रहा है मीडिया में, वो इंडिया आएगा या नहीं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, करीब 2 महीने पहले AFC चैम्पियंस लीग का ड्रॉ निकला था, जिसमें अल हिलाल ने मुंबई सिटी FC वाले ग्रुप में ही भाग लिया था। तो 6 नवंबर डेट निकली थी कि मुंबई सिटी वर्सेस अल हिलाल का मैच होगा, और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि भाई नेमार देखेंगे। ऑल दो उसमें और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रूबेन नेवेज और कोहली वाले टाइप के प्लेयर्स हैं, बट सबको नेमार से ही मिलना था यार, है ना। तो लोगों ने 2 महीने भाई टिकट का वेट किया कि भाई टिकट कब आएगी। हमने भाई 3-4 रीलें बना दी, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, पूरी अपडेट दी कि भाई इस डेट को टिकट आएगी। फिर बीच में मुंबई सिटी ने क्या किया कि प्री रजिस्ट्रेशन कर दी कि भैया प्री बुकिंग कर लो वरना टिकट नहीं मिल पाएगी। तो भाई लोगों ने प्री बुकिंग भी कर ली। हाँ, और उससे पहले एक और मस्त चीज़ हुई। तो उससे पहले ये चीज़ हुई कि मुंबई का मैच जो है वो पुणे में होगा, ये बोल दिया, क्योंकि बॉम्बे का जो मेन स्टेडियम है मुंबई सिटी FC का, जो मुंबई फुटबॉल अरीना है, वो कहते हैं कि AFC के रूल्स के हिसाब से फुलफिल नहीं करता, उनकी फुलफिलमेंट नहीं है, तो इसलिए अब मैच अब पुणे में होगा। ठीक है भाई, पुणे में होगा। तो लोग रोए भाई कि भाई सिर्फ 11,000 टिकटें हैं, हमें सीट कैसे मिलेगी। गाइस पॉज है यार, देखो बीच सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है। एनीवे, एक हॉर्न से हट गया। तो फिर थोड़े दिन में न्यूज़ आई कि गुड न्यूज़ फॉर द फैंस, नाउ द मैच विल टेक प्लेस इन नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी है 55,000। भाई तो लोगों को लगा भाई अब खरीदेंगे ना हम टिकट, अब सबको मौका मिल जाएगा मैच देखने का। तो फिर लोगों ने प्री बुक भी कर लिया, फिर प्री बुक करने के बाद भी वेट करते रहे कि भाई कब मिलेगी। मिली नहीं रही भाई, टिकट ही नहीं मिल रही। मेरे को DM करके बच्चे पूछते थे भैया कितने की होगी टिकट, कब मिलेगी टिकट। फिर मुंबई सिटी FC ने क्या किया कि बोला कि अगर तुम मुंबई सिटी FC की वो लेते हो ना मेंबरशिप या सीजन पास, तो तुम्हें अर्ली एक्सेस मिल जाएगा भाई टिकट का। कुछ लोगों ने वो भी ले लिया। फिर फाइनली मुंबई सिटी FC ने बोला कि भाई 11 और 12 अक्टूबर को अपनी अपनी टिकट ले लेना, जिसने प्री बुकिंग करी या सीजन पास लिया, और 15 अक्टूबर को जो बाकी बच गए लोग तुम ले लेना भाई टिकट। तो भाई लोगों ने ले ली टिकट। अब यहाँ पे सीन ये होता है कि यार अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं यार देखने वाले मैच, जिनको एक्साइटमेंट है नेमार को देखने की। भाई इन्होंने क्या किया, सबसे सस्ती टिकट रख दी 1500 रुपये की। बताओ 1500 रुपये की सबसे सस्ती टिकट, और सबसे महंगी टिकट 5000 रुपये की। बट लोगों ने चलो फिर भी दिल पे हाथ रखे कि नेमार भाई साहब आ रहे हैं इंडिया, कभी उसके बाद जिंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे, 1500 की टिकट भी ले ली। हमने भी इनफैक्ट 1500 वाली टिकट ली, क्योंकि हम चाहते थे कि हम ज़्यादा ज़्यादा फैंस से मिले, और हमें लगता था ज़्यादा फैंस जो होंगे वो 1500 वाली में ही आएंगे। ऑब्वियसली मतलब तुम लोग जो देखते हो, मतलब आई डोंट थिंक 5000 रुपीज़ देना वर्थ इट है। मतलब ठीक है, तुम बेटर एंगल से या पास से मैच देख लोगे, बट जो कोर क्राउड आएगा, जो असली फैंस आएंगे, वो तो यार 1500 वाली में आएंगे, ये मेरे को लगता है। तो हमने 1500 वाली कर ली भाई। फिर खुश हो गए सारे, प्लान बनने लग गए भाई, कोई फ्लाइट टिकट बुक करा रहा है, कोई ट्रेन टिकट बुक करा रहा है, कोई प्लान कर रहा है कि मैं बॉम्बे तक कैसे पहुंचूंगा, कोई प्लान कर रहा है कि बॉम्बे से नवी मुंबई कैसे पहुंचूंगा। हम भी ये प्लान करें कि ठीक है भाई, बॉम्बे अगर लैंड कर गए, लेट से प्लेन की फ्लाइट लैंड करके, तो नवी मुंबई जाने का रास्ता क्या है, कितनी देर लगती है, कैब मिलेगी नहीं मिलेगी, नेरूल में ही रह सकते हैं नहीं रह सकते, ये सब डिस्कशन होने लग गई। ठीक है, फिर भाई साहब 18 अक्टूबर को ब्राज़ील एक मैच खेलती है यूरुग्वे के साथ, जिसमें नेमार भाई रोते रोते इंजर्ड होकर स्ट्रेचर पे चले जाते हैं। अब भाई फटती है हम जैसे लोगों की। बट यहाँ मजे की बात यह है गाइस कि किसी को ये नहीं है, हो बेचारा नेमार इंजर्ड हो गया, आप क्या हुआ, बेचारे को लग गई चोट, दर्द ना हो रही हो। सबको चिंता यह है कि भाई इंडिया नहीं आएगा, कि नेमार इंडिया आ पाएगा नहीं आ पाएगा, हो हाय स्यापा हो गया, कैसे हो गया यार, अब हमने टिकट बुक कर ली थी, हमने तो फ्लाइट टिकट बुक कर ली, हमने तो ट्रैवल कर लिया, हमने तो अकोमोडेशन ढूंढ ली, ये वो। किसी ने बेचारे नेमार से ये नहीं पूछा कि भाई तू जिंदा है मर गया है, पैर है नहीं है, टांग कटवानी तो नहीं पड़ेगी। Nobody was bothered about his injury. Everyone was bothered about whether he is coming to India or not. ठीक है, आज सुबह, अगर आज ही वीडियो डलगी तो आज सुबह, वरना अगर कल डलेगी वीडियो तो कल सुबह, न्यूज़ आती है कि नेमार जूनियर को हो गया है ACL एंड ही इज आउट फॉर 9 मंथ्स। तो भैया 9 महीने के लिए जो प्लेयर बाहर है वो 25 दिन में इंडिया तो नहीं आ सकता खेलने। तो गाइज दैट्स ऑफ द चार्ट्स। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस डाउन टू यू, बट नेमार जूनियर इज नॉट कमिंग टू इंडिया टू प्ले अगेंस्ट मुंबई सिटी FC फॉर अल हिलाल। अब गाइज सवाल मेरा तुमसे ये है कि जिन जिन ने टिकट्स बुक कराई,
हैं, वो सिर्फ नेमार के लिए कराई थी या मुंबई सिटी एफसी को देखने के लिए कराई थी या जो बाकी सुपरस्टार प्लेयर्स उस टीम में उनके लिए कराई थी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब अगर नेमार नहीं आ रहा, अब जब कंफर्म हो ही गया है कि भाई को एसीएल हो गया और 9 महीने के लिए वो बाहर है, तो भाई तुम मैच देखने जा रहे हो या नहीं जा रहे, तो ये बता देना कमेंट्स में। बट यार उस मतलब चलो ये तो अपनी अपनी बात है, बट नेमार का तुम करियर देखो यार, नेमार का करियर पाथ देखो। भाई ने सैंटोस से शुरू किया और सबकी फाड़ दी, लगा कि भैया इससे बड़ा तो कोई प्लेयर है ही नहीं इस दुनिया में, विच वॉज राइट ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2013-14 की बात है ये, ठीक है। फिर बार्सिलोना ने बोला कि हम भैया तुम्हें उठा लेंगे, तुम बेस्ट हो, हम तुम्हें मनाएंगे बैलन डोर विनर, तुम खेलोगे तो बार्सा में ही खेलोगे और ब्राज़ील के लिए तो तुम खेलते हो और वहाँ भी तुम चमकोगे चमकोगे, ठीक है गाइस। फिर आता है 2014 वर्ल्ड कप, उसमें भाई राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया अगेंस्ट नेमार के पीठ में चोट लगती है, ही इज आउट फॉर अ स्पाइन इंजरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा इंजरी थी, ये भी बोल दिया गया था कि अब शायद ये फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, बट ही केम बैक 2016-15 ही डिड वंडर्स फॉर बार्सिलोना, दैट MSN गैंग अमेजिंग करा उसने, ठीक है। फिर वो रो धो के चले गए भाई PSG बहुत ज़्यादा पैसों में, वहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट मैच हैं लाइफ के, जितने भी चैंपियंस लीग लगा लो, ब्राज़ील के मैच लगा लो, कुछ भी बड़ा सा बड़ा मैच तुम कंसिडर कर लो, भाई साहब इंजर्ड हो जाते हैं। गोल्डन बॉय जिसको कहते थे, वो कभी अपने फुल पोटेंशियल पे 1-2 साल से ज़्यादा खेल ही नहीं पाया यार, मतलब वो इतना इंजर्ड हुआ है यार, इतना इंजर्ड हुआ है कि क्या बताऊँ, हर क्रूशल मोमेंट पे इंजर्ड होता है। और मार्च में तो उसको कस्टमर इंजरी आती है जब उसकी बहन का बर्थडे होता है, वो तो हम सबको पता ही है। बट यार तुम बताओ यार, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि नेमार जो है उसका क्या पोटेंशियल था, वो कहां तक जा सकता था, व्हाट वाज हिज मैक्स पोटेंशियल, क्या वो मेसी और रोनाल्डो से बैलन डोर में कम्पीट कर सकता था, जैसे मेसी और रोनाल्डो के बाद सबसे पहला बैलन डोर मॉड्रिच को मिला इतने सालों बाद, क्या वो नेमार को मिल सकता था, क्या नेमार अगर अभी भी इंजर्ड ना होता और टॉप फॉर्म में होता तो क्या एम्बापे वगैरह हालैंड इन सबसे अच्छा होता, क्योंकि एज तो उसके पास है ही ना, एज फैक्टर इज नॉट मतलब किलिंग हिम, उसको तो इंजरीज मार देती हैं। तो यार मेरे को तो लगता है कि यस लाइक मतलब उसमें था वो पोटेंशियल कि वो स्किल लेवल इतना अच्छा है उसका, टेम्परामेंट कंपोजर सही है उसका ग्राउंड पे, ऑल दो वो डाइव वाइव मारता रहता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स मतलब सबका अलग अलग गेम होता है, बट मतलब उसमें वो बात थी कि वो सिंगल हैंडेडली गेम बदल सकता है टीम के लिए, बट क्या हुआ यार, कहाँ लैक कर गया, वो इंजरीज ही मार गई उसको, या फिर तुम्हें लगता है कि जो ब्राज़ीलियन प्लेयर्स होते हैं वो निकलते ही ऐसे हैं भाई, मतलब रोनाल्डिनो ने जब पीक किया फिर उसके बाद उसको भी नशे वशे करने लग गया, अब तुम देख रहे हो रोनाल्डिनो क्या कर रहा है, ऑल्दो ही इज़ अ लेजेंड, मतलब देर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट रोनाल्डिनो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, बट उसका जो करियर टूवर्ड्स द एंड था वो काफ़ी ख़राब था। सेम R9 रोनाल्डो, इतना बढ़िया प्लेयर, वर्ल्ड विनर, पूरी दुनिया हिला दी उसने, अगेन बीइंग अ ब्राज़ीलियन प्लेयर यू नो व्हाट हैपेंड टू हिम, अब तो वो मोटा सा हो गया है, मतलब कहना नहीं चाहिए ऐसे किसी लेजेंड के बारे में, बट दैट्स फैक्ट्स, मतलब हम आए दिन देखते रहते हैं कि व्हाट हैपेंड टू दीज प्लेयर्स। तो यार बताओ यार कि इज इट इन ब्राज़ीलियन कह रहा हूँ ब्राज़ीलियन ब्लड कि भैया पार्टी करनी है, बकचोदी करनी है बिल्कुल, या क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आता यार, मतलब क्यों कोई ऐसा ब्राज़ील का प्लेयर ऐसा नहीं निकला जो बिल्कुल मतलब पहले के बाद, ऑल दो रोनाल्डिनो रोनाल्डो ऑब्वियसली लेजेंड्स हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की लिस्ट में आते हैं, बट करियर जो इनका एंड हुआ है ना वो बहुत ही वियर्ड वे में हुआ है, मतलब पैसा दारू नशे इन सब चीज़ों में हुआ है। आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में बता देना कि यमन भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे ये लगता है, मैं अभी कल परसों किसी से डिस्कशन भी कर रहा था कि ब्राज़ीलियन प्लेयर्स करियर तो अपना एंड भाई पार्टी वार्टी से ही करते हैं भाई, मैनेजर वैनेजर कुछ नहीं बनते भाई वो लोग, एक बार फुटबॉल खेल के हट गए उसके बाद तो भाई जश्न ही जश्न है लाइफ में, पार्टी ही है भाई लाइफ में, और नेमार तो यार इंजर्ड ही होते रहता है। तो हाँ यार, दिस वॉज टूडेज वीडियो, बाकी तुम बताओ अब, जैसे कि मैंने पूछा था कि अब जिसने टिकट बुक करी थी नेमार नहीं आने पे, वो फिर भी जा रहे हैं बॉम्बे, या अब सिर्फ हिट ले रहे हैं कि ठीक है यार हमने तो अपनी टिकट ले ली थी, या तो उसको बेच देंगे या किसी को दे देंगे और फ्लाइट व्लाइट का और अकोमोडेशन का खर्चा बचा लेंगे,
बताओ यार क्या है प्लान ऑफ एक्शन, मेरे को तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन जानना है कि जिसकी टिकट बुक हो गई, जिसकी नहीं हुई होगी वो तो मेरे को लग रहा है बड़ा खुश हुआ होगा कि भाई अच्छा ही हुआ नहीं हुई, अच्छा हुआ उस दिन बुक माय शो पे लक नहीं चला और सोल्ड आउट हो गई भाई टिकटें, बट जिसकी हो गई वो बता देना भैया क्या सीन है। हम तो देखो आ ही जाएंगे मरमरा के क्या करा के, हमने तो प्लानिंग कर ही ली अपनी। और एंड यार देखो ऑब्वियसली नेमार वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हु वॉज कमिंग फॉर दिस मैच, बट अपार्ट फ्रॉम हिम बहुत ज़्यादा और भी लोग आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब अल हिलाल को ज़्यादा ही अच्छी टीम है और मुंबई सिटी एफ सी के लिए काफ़ी सही कॉम्पिटिशन है और मतलब एक माहौल सा बन जाएगा, मज़े आएंगे, हम लोगों से मिलेंगे तो मेरे ख्याल में तो सबको आना ही चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वन प्लेयर कमिंग और नॉट। अनफॉर्चुनेटली ही कांट कम, अब ठीक है मतलब जैसे मैंने कहा कि नोबडी वॉज बॉदर्ड कि वो इंजर्ड हो गया, सबको यही पड़ी थी कि भाई इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, बट लेट्स ऑल विश हिम अ वेरी स्पीडी रिकवरी। सारे कमेंट्स में लिख देना यार गेट वेल सून नेमार, सब लिख देना गेट वेल सून नेमार। मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू।